हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इज। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहली बात आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, अगर इन दोनों फंक्शंस की बात की जाए तो ये कब डिफाइंड होता है? जब आपका एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, राइट? इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये क्या होगा, आपका -1 से 1 के बीच में होगा, है ना? ये आपका -1 से 1 के बीच में होगा। एंड इसी तरह से एक्स स्क्वायर -1/2 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आपका -1 और 1 के बीच में होगा। अब -1 और 1 के बीच का मतलब क्या हुआ, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से ऑब्वियसली आपको इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या ये तीनों वैल्यू मिल सकता है? इस केस में भी -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट क्या ये तीनों वैल्यू मिलेगा ये चीज हमें चेक करना है, ठीक है? तो अब एक बार आप देखिए, आपको फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एंड प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? हाँ, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/2 एंड -1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें यही चीज पता करना है कि क्या इसका ये तीनों वैल्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ऑब्वियसली आपको इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। यहां से एक चीज क्लियर है, अगर आप यहां से ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, अगर आप इसके बारे में सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 अगर आप इसके बारे में सोचते हो तो ये क्या होगा, ऑलवेज या तो 1/2 होगा या 1/2 से बड़ा होगा। जब एक्स जीरो होगा तो 1/2 होगा, अदरवाइज ये 1/2 से बड़ा ही होगा, क्लियर? बट हमें ये भी तो पता है कि इसका वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू आपका 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, दैट मींस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? तो पॉसिबल वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, -1 तो कभी नहीं होने वाला है क्योंकि ये पॉजिटिव आपको ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगा, क्लियर? हमने इसकी बात की है ना, ओके। इसका मतलब अब आपके पास जो fx आ रहा है, केस फर्स्ट हम यहाँ पे बात करें, केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आ रहा होगा, है ना, जब 0 आ रहा होगा, इस केस में क्या हो जाएगा fx, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, राइट, एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखो ये 0 -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको -1 मिल जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1 का यानी पाई, दैट मींस यहाँ से आपको पाई मिल गया, क्लियर है? एफ एक्स का वैल्यू पाई हो गया कब, जब आपने ये केस फर्स्ट लिया था। अब एक बार केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, केस सेकंड में जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 मिल जाए, जब 1 मिल जाएगा उस टाइम क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, राइट, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, एंड प्लस कॉस इनवर्स, जब यहाँ पे 1 लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 एंड कॉस इनवर्स 0 ये भी आपका π/2, अल्टीमेटली ये क्या आ गया, पाई। इसका मतलब दोनों केसेस में आपका पाई आ रहा है, सो आप कह सकते हो कि रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज विल बी पाई, है ना, रेंज क्या हो जाएगा इसका, पाई। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
टेक केयर, थैंक यू।